पेट फूला फूला रहता है, इस तरीके से पेट तना हुआ रहता है, बहुत ज्यादा पेट में खिंचाव महसूस होता है, यानी कि आपको समस्या है गैस और ग्लोटिंग की। तो आज 5 ऐसे पोजेज में बताऊंगा और साथ ही घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो अगर आप करेंगे तो अपनी गैस की समस्या से इस तरीके से निजात पा पाएंगे, आपकी गैस इस तरीके से आपके पेट से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, चलो तो आप उठ जाइए। तो पहला पोज ये है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को जमीन पर ढीला छोड़ देना है, हथेलियां आकाश की ओर, पैरों को आप इस तरीके से मोड़ लेंगे। फिर आपको क्या करना है, एक दो बार लंबे लंबे सांस लेने हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और आपके पेट में जितनी भी गैस है वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगी और बाहर निकलेगी। ठीक है, तो दूसरा पोज है कि अगर इससे भी आपकी गैस बाहर नहीं निकल रही है तो आपको क्या करना है, एक पैर सीधा करना है, दूसरे पैर को मोड़ के इस तरीके से दबाना है पेट की तरफ। इसे पवन मुक्त आसना भी बोलते हैं। ठीक है, और यही आसना आपको दूसरी तरफ से भी करना है, फिर राइट पैर सीधा कर लेना है, लेफ्ट पैर को इस तरीके से मोड़ना है और पेट की तरफ खींचना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पेट पर दबाव महसूस होगा और फंसी हुई गैस बाहर निकलेगी। और ये आपको दोनों पैरों से भी करना है, दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे, इस तरीके से पकड़ लेंगे और दोनों कोहनियों को पकड़ लेंगे और उसके बाद अपने सर को घुटनों के पास ले आएंगे। इससे आपके पेट पर बहुत अच्छा खासा दबाव बनेगा और जितनी भी फंसी हुई गैस है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, तीसरा पोज, तीसरे में आपको क्या करना है, दोबारा उसी पोजीशन में लेट जाना है, अपने हाथों को इस तरीके से फैला देना है। ठीक है, घुटनों को मोड़ना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने घुटनों को एक तरफ लिटा देंगे और हाथ को उसकी दूसरी तरफ लेकर, अपने सर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अगर घुटने लेफ्ट साइड है तो सर राइट साइड पर जाएगा, अपने हाथ को देखेंगे। इससे क्या होगा, आपके पेट पे एक ट्विस्टिंग इफेक्ट आएगा, तो जितनी साइड्स पर कोने में फंसी हुई पेट की गैस है वो बाहर निकलेगी। ठीक है, इसी को दूसरी तरफ भी दोहराना है, अब पैर को इधर ले जाएंगे और हाथ को इधर। ठीक है, आजकल इस गैस की समस्या से बच्चा बूढ़ा और जवान हर कोई परेशान है। ठीक है, चलो चौथा आसन क्या करना है आपको, चौथा बहुत अच्छा आसन है, आपको इस तरीके से अपने घुटने मोड़ने, दोबारा से हाथों को इस तरीके से जमीन को पकड़ लेना है हाथों से। ठीक है, अब क्या, इसको सेतु बंधा आसना बोलते हैं और ये आसना मैन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से ऊपर उठना है। ठीक है, आप जब ऊपर उठेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी पेट की मांसपेशियों पर दबाव बनेगा और पेट की मांसपेशियों पर दबाव बनने के कारण पेट में गैस की जगह नहीं बचेगी और वो गैस निकलने के रास्ते से बाहर निकलने लगेगी और आपको बहुत आराम महसूस होगा। ठीक है, पांचवा क्या करना है आपको, और ये जो मैं बताने जा रहा हूं आसना, ये आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, आपको इस तरीके से बैठना है। ठीक है, घुटनों पे बैठना है, आपके पैर के अंगूठे मिले रहेंगे, एड़ियों को खोलना है और बीच में बैठ जाना है। ठीक है, इसे वज्रासना बोलते हैं, इसमें आप खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है और बहुत अच्छे से काम करने लगता है। साथ ही क्या होता है, हम एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो हमारी जो पेट में फंसी हुई गैस है नीचे के रास्ते से और ऊपर के रास्ते से बाहर निकलने लगती है, हमारा पेट में जितना भी तनाव और तनाव खिंचाव रहता है वो खत्म हो जाएगा। हाथों को घुटनों पर रख लेना है इस तरीके से। ठीक है, चलो, और आजकल अब पांचवे जो मैंने बात की थी, ये जो हमने रखा है ये घरेलू नुस्खा है, इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा आपको, ये आपको जरूर करना है। आजकल हमारा खान पान इतना बिगड़ गया है कि उसकी वजह से हमें कब्ज की समस्या रहने लगी है और कब्ज बहुत बड़ा कारण है पेट में गैस और ब्लोटिंग रहने का। तो आपको सुबह उठते क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, इसको हल्का गुनगुना कर लेना है और एक चम्मच शहद, अगर आपको शहद सूट कर रहा है, ज्यादा गर्मी नहीं कर रहा है तो 1.5 से 2 चम्मच भी ले सकते हैं। एक गिलास गुनगुने पानी में, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुने पानी में एक चम्मच, 1.5 चम्मच या ज्यादा ज्यादा 2 चम्मच आपको लेनी है, इसको घुमाना है, मिलाना है और इसको पीना है। ये पीने के बाद आपकी कब्ज दूर होगी और आपकी जितनी भी फंसी हुई गैस है वो निकल जाएगी। ठीक है, मैं अनुराग वर्मा, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या योगा की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो करनाल पस के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं।